मथुरा से राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, नमस्कार मैम जी। नमस्कार अजीम साहब, नमस्कार। जय हिंद, आदाब। मुझे 15 महीने पहले पैरालाइज हुआ था बाएं तरफ, तो आपसे मैंने 2 महीने पहले जैतून के सर का बताया था, और उसमें 3 चीज वो थी, ये नींबू का रस, अदरक का रस और लहसुन का रस, वो मैं ले रहा हूँ सुबह शाम। उससे मुझे आराम है, मेरे बीपी में भी है और उसमें भी है, शुगर में जी, जी। अच्छा, उसके बाद सर ऐसा है कि टी केयर आपने बताया था, मैंने पूछा था आपसे, तो मेरे हाथ और पैर ज्यादा उठते नहीं थे, तो थोड़ा उसमें आराम भी है, और शिकायत तो मुझे और कुछ नहीं है। बस एक निवेदन ये था कि 1 हफ्ते से मुझे रात को नींद नहीं आती है, और पहले 9 बजे सोता हूँ मैं, सुबह 4-5 बजे तक जगता हूँ, अब 10 बजे नींद आती है, कभी 11 कभी 12, और 2 दिन से तो ऐसा है रात भर नींद नहीं आती है। तो मैं परेशान हूँ, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन खराब हो गया है, और पहले ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आपको जब से मैं जैतून का सर्कल ले रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मोशन क्लियर होता था। तो ये थोड़ा सा आप बताइए सर, मुझे क्या करना चाहिए और कौन सी औषधि लें, या आपका कोई घरेलू नुस्खा हो वो बताएं। लेकिन नींद नहीं आ रही है साहब, और एकदम सिर भारी रहता है और पूरे दिन, और सोने की कोशिश करता हूँ झटके से नींद खुलती है, ये बड़ा परेशानी होगी सब मुझे। ठीक है जी, नींद नहीं आती है हकीम साहब। देखिए, वो जो आप वो सिरके वाला नुस्खा लेते हैं, वो आप या तो 1 चम्मच कम कर लें रात का डोज, या 1 चम्मच बढ़ा लें, उस डोज के आप आदी हो गए तो फिर आपको अच्छी नींद आया करेगी, और दिन में सोने से परहेज करें, नींद आए भी तो कहीं मसरूफ हो जाए, बिजी हो जाए, और नींद 6 घंटे अगर 24 घंटे में आ जाए तो काफ़ी होती है, चाहे दिन में हो चाहे रात में। और ये एक्सरसाइज किया करें 2-3 मिनट रोज़ाना रात के वक्त, और ये भी किया करें, आपको फ़ायदा है तीनों चीज़ों में। और मेरा भरोसा ये है कि ये जो आपके रोग हैं कंट्रोल में रहेंगे, और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरी दुआ भी यही है। और क्या सवाल है? कब्ज़ की शिकायत। हाँ, कब्ज़ के लिए आप अपने खाने में अदरक और लहसुन इतना इतना कर दीजिए, जो आपके घर में खाना बनता है तो हमारी महिलाएं इतना इतना सा डालती हैं, और वो इतना इतना सा भी नहीं आता एक आदमी के हिस्से में, अदरक इतनी और लहसुन इतना, बस काफ़ी होना चाहिए आपके कब्ज़ के लिए। कभी आप पानी में मिलाकर इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, बेल पत्थर आने लगे तो बेल पत्थर खाया करें, और कभी इत्तेफाक से अरंडी का तेल, जिसे हम कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं, 2 चम्मच पी के गर्म पानी पी लिया करें, ये सब पेट की मरम्मत करते हैं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें।